नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 11 अक्टूबर 2021 से 17 अक्टूबर 2021 तक। इन 7 दिनों में किन राशियों के लिए अच्छा है, किन चीज़ों में अच्छा है, क्या लाभ मिलेगा, किन राशियों के लिए ये 7 दिनों में क्या नुकसान है, कौन सा लकी नंबर है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों पर अगर बात करें, 14 तारीख को नवमी रहेगी, 15 तारीख को दशहरा रहेगा और 17 तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में किन चीज़ों से लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कहाँ सावधानी बरतनी है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, हफ्ता पूरा ही अच्छा है। किसी भी प्रकार की संपत्ति को लेके कोई वाद विवाद अगर चल रहा था तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन या जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। पीछे के रुके काम आपके बनेंगे। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए, समय बेहद अनुकूल कहलाएगा। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। धन को लेकर तनाव जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहनों का सुख मिलेगा। मित्रता या किसी ने उधार आपने दे रखा है, वो उधार फंसा है, वो उधार आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश करने के लिए समय अच्छा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे आपका शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों के लिए भी निवेश भी अच्छा दिख रहा है। इस समय पे अगर कहा जाए, विवाह से संबंधित बातचीत, विवाह से संबंधित दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। सामान्य शब्दों में मेष राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता बेहद अच्छे और सुगम परिणाम दिखा रहा है। 16 तारीख और 17 तारीख बेहद अच्छी कहलाएगी। सिर्फ एक दिन है, 11 तारीख, उस दिन थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए बीमारियों के ऊपर धन का व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में तनाव और कलह दोनों बनेगी इस हफ्ते में, थोड़ा सा संकेत अच्छे नहीं है। विवाह से संबंधित कोई बातचीत करना चाह रहे हैं उसमें भी सावधानी बरतिएगा। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा। विवाह का कोई यहाँ करना या ना करना, जल्दबाजी छोड़ दीजिएगा। मैं यहाँ तक कहूँगा, इस हफ्ते को अगर टालना आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। वाहन से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। बात करते हैं व्यवसायियों की। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए, समय सामान्य है, धन की आवत बनी रहेगी, काम आपके जो चल रहे थे उसी तरीके से चलते रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। जो लोग कर्ज ले रखे हैं, कर्ज से संबंधित चीज़ों में हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये आने वाला हफ्ता तनाव भरा रहेगा। कोई टोकेगा, कोई कुछ कह दे, या किसी प्रकार से प्रतिष्ठा में कमी आई, वो संकेत दिखते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 16 तारीख और 17 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 11 तारीख और 12 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें, समय मिला जुला सा है। धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो या किसी कर्ज इत्यादि चीज़ों से संबंधित हो। कोई ऐसा भी मिल सकता है जिसके कारण आपका नुकसान हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी के कहे के अनुसार कहीं धन मत लगाइएगा। भाग्य उतना साथ नहीं देगा, मेहनत करने को तैयार रहिए। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी के लिए मैं विशेषकर कहूँगा, इस समय पे अगर स्थान का परिवर्तन से संबंधित चीज़ों में जाते हैं उसके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का अनादर आपके लिए नुकसानदायक होगा। कहीं फंसते हैं तो बुजुर्गों की राय जरूर ले लीजिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 11 तारीख और 12 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 14 तारीख 15 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए।
देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, हफ्ता मिला जुला सा है, पैसे के लिए अच्छा है, काम जो आपके चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। जिन लोगों को नौकरी छूटी है, नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं, नौकरी से संबंधित चीज़ों में इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। पार्टनरशिप में काम करना है उसके लिए समय अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप वाद विवाद चल रहा था तो अभी परहेज करिएगा बातचीत करने के लिए। विवाह से संबंधित बातचीत करना है उसके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। वैवाहिक जीवन के कलेश के कारण या वैवाहिक जीवन के कारण आपका जो अपना घर है उसमें डिस्टर्बेंस होगा या होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान को लेके थोड़ा सा तनाव या संतान को लेके इस समय पे चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 11 तारीख और 14 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 16 तारीख और 17 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 9। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए समय अच्छा है, कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है, बस इस समय पे शत्रुओं की पीड़ा आपको होगी, शत्रु हावी होंगे, जहाँ पर काम करते हैं लोगों से कम पटेगी या फिर कह लिए कुछ षड्यंत्र, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, चीज़ें बनेंगी उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा तनाव होगा लेकिन अपनी मेहनत अपने धैर्य से आप चीज़ों को निकाल लेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस समय पे क्रोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रोध के कारण भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा से अगर देखा जाए तो एक द्वादश भाव में शुक्र और केतु हो रहे हैं। द्वादश क्या है? कहीं ना कहीं व्यय है। और शुक्र क्या है? धन है। केतु क्या है? कहीं ना कहीं नुकसान है, या कह लीजिए छुपी हुई चीज़ें, आपके धन का नुकसान या धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। सोच समझ के व्यय करिएगा। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों में धैर्य रखिएगा, किसी प्रकार की जल्दबाजी या किसी के कहे के अनुसार कोई कार्य मत करिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें 14 तारीख और 16 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 11 तारीख और 12 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए घर परिवार का तनाव और घर परिवार को लेके मन खट्टा रहेगा, कहीं ना कहीं संतान के प्रति आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और संतान से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में भटकाओ और अपनी संगत का विशेष ध्यान रखिएगा। संगत का असर इस समय पे बेहद आपके ऊपर पड़ेगा, किसी प्रकार का नशा हो, किसी प्रकार का एडिक्शन हो, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव होगा, किसी प्रकार से कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी को उधार देने से बचिएगा और उधार लेने से भी बचिएगा। विद्यार्थियों के लिए फिर से मैं कहूँगा कि संगत का ध्यान रखें। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है, प्रेम के कारण थोड़ा सा तनाव लाइफ में होगा और कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र पे उसका असर इस आने वाले हफ्ते में पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 16 तारीख और 17 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 11 तारीख और 12 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई निर्णय अकेले मत लीजिएगा, किसी को साझेदार बनाइएगा निर्णय लेने के लिए। साझेदार मतलब किसी से राय ले लीजिएगा, चाहे वो घर परिवार का है, चाहे आप जिसे मानते हो, चाहे गुरु हो, चाहे अन्य कोई हो, लेकिन अपनी राय से मत करिएगा। एक बात, संतान को लेके तनाव होगा, संतान के ऊपर या संतान कोई काम कराना चाह रहे हैं, काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए धन लगाने से और इस समय पे परहेज करिएगा या पूरी चीज़ें देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके उपरांत ही निवेश करिएगा। मित्रता में किसी प्रकार का उधार देने से बचिएगा। धन को लेके थोड़ा सा तनाव कार्य क्षेत्र में होगा। व्यवसायियों के लिए थोड़ा सा पीड़ादायी समय इस समय पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्ज लेन देन जितना जरूरी हो उतना ही करें, अगर आप व्यवसाय हैं और कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। विदेश से संबंधित यात्रा, विदेश आवागमन के लिए समय अच्छा है। जो लोग विदेश में हैं इस समय पे प्रयास करें आने का तो कहीं ना कहीं संभव है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 11 तारीख और 12 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 14 तारीख और 15 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7।
बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए इस हफ्ते में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव जो कि धन भाव कहलाता है, कुटुंब कहलाता है, उसमें होगा। महिलाएं खासकर अपने ससुराल का ध्यान रखें। एक बात, अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलें। जो वैवाहिक जीवन में आ चुकी महिलाएं हैं जिनकी राशि ये है, धन के दृष्टिकोण से समय उठापटक का रहेगा, ये पूरा हफ्ता भागा दौड़ी में निकलेगा। सरकारी नौकरी वाले किसी भी प्रकार का निर्णय और यात्राएं बड़ी सोच समझ के करिएगा, निर्णय में कोई भी चीजें हो सकती है। व्यवसायियों की अगर बात करें, कार्य क्षेत्र के लिए समय सामान्य कहलाएगा। जो आपके काम चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि काम चलते रहेंगे। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। धन की आवश सामान्य दिखाई दे रही है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा, यात्राएं सोच समझ के करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 13 तारीख और 14 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 11 तारीख और 17 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 4। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। देखिए धनुराशि वालों के लिए अगर कहा जाए, समय अच्छा है राजनीति के लिए, समय अच्छा है सरकारी तंत्र से लाभ लेने के लिए, समय अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, और खासकर हड्डी से संबंधित समस्या, हड्डी चाहे वो घुटने की हड्डी हो चाहे अन्य कोई हड्डी हो, हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए समय अच्छा नहीं है। धन का व्यय जरूर होगा लेकिन दिशा सही होगी। कुछ ऐसी चीज़ें आप खरीदेंगे जो कि आपके काम की होगी, वो कहते नहीं बेवजह का खर्चा नहीं कहलाएगा वो। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस समय पर मन आपका खुश रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। धन को लेके समय सामान्य है लेकिन धन का व्यय दिख रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया। यात्राएं अच्छी हैं, यात्राओं से लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, धनु राशि वालों के लिए कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 11 तारीख और 16 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 14 तारीख और 15 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, हफ्ते की शुरुआत आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश में, मन विखंडित होगा, कहीं ना कहीं तनाव भी अच्छा खासा होगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, समय सामान्य है। कुछ ऐसे नुकसान होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपकी जल्दबाजी या किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा उसके कारण किसी प्रकार का निवेश करना है, निवेश से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। घर परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ वाद विवाद की स्थितियाँ इस समय पर उत्पन्न हो सकती है। किसी को भी अपने काम पूरे होने से पहले कोई काम सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, किसी को मत बताएं। जब काम हो जाए उसके उपरांत जो है शो करें। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 14 तारीख और 15 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 11 तारीख और 17 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, वाद विवाद झगड़े झंझट इत्यादि चीजों को दिखाता है। किसी भी प्रकार का आपका कोई केस चल रहा था, मुकदमेबाजी चल रही थी, थोड़ा सा सचेत हो जाइए, आपके धन का नुकसान उस क्षेत्र में हो सकता है। व्यवसायियों की अगर बात करें तो कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, काम आपके चलते रहेंगे, धन का रोटेशन बना रहेगा। इस समय पे अगर कहा जाए, विदेश से संबंधित बातचीत, जो लोग विदेश में हैं उनके लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी या नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। पदोन्नति या अपने कामों को बढ़ाने या अपने लाभ को बढ़ाने के लिए बात कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार से पत्राचार हो उसको बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। प्रेमी जुगलों की अगर बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी प्रकार से बदनामी के योग बनते हैं, अपने आप को बचा के चलिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 11 तारीख और 16 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 13 तारीख और 14 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेंगे, धन के लिए कर्म के लिए बेहद अच्छा समय, निवेश करने के लिए अच्छा समय, नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए अच्छा समय,
किसी व्यक्ति से काफी समय से आप बातचीत करना चाह रहे हैं या किसी व्यक्ति से लाभ लेना चाह रहे हैं, इस समय पे इस हफ्ते में आप बातचीत कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो बातचीत सकारात्मक दिख रही है। पार्टनरशिप में किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था तो इस समय पे बातचीत करिए, कहीं ना कहीं जो भी जीवन साथी आपका मान जाएगा और फिर से जो है सामान्य स्थितियां हो जाएंगी। किसी प्रकार का निर्णय लेना चाह रहे हैं, जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं, नई नौकरी पकड़ना चाह रहे हैं या नौकरी नहीं थी, उन चीज़ों के लिए भी समय अच्छा है और कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सामान्य शब्दों में मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए समय अच्छा है, 12 तारीख और 14 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 16 तारीख और 17 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का प्रत्येक राशियों के बारे में मैंने बताया, फिर किसी विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।